जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। कोरोना संक्रमण की आहट सुनाई देने लगी है। समूचे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में जनपद जालौन में भी जिला प्रशासन ने एहतियातन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना कर दी गई और इसके हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी जालौन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर पूरे देश में हाई अलर्ट है, स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश में भी सभी 75 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बात करते हैं जनपद जालौन की, तो जालौन जिले में भी स्वास्थ्य महकमा हाई अलर्ट पर हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनडी शर्मा ने कल इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया है और इसकी बारीकियाँ भी परखी है। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, DPRO विभाग है, शिक्षा विभाग है, सही अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। वहाँ पर कुछ नंबर्स ऑनलाइन किए गए हैं, जो नंबर 24 घंटे काम करेंगे। आप मेरे पीछे डिस्प्ले पर देख सकते हैं ये सारे नंबर्स हैं, ये नंबर जो है 24 घंटे काम करेंगे, यानी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जो है 24/7 वर्किंग डे में है। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी तरीके से कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं या कोई परेशानी होती है तो इस कोविड कमांड सेंटर पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण किया जा सकता है। यानी कि कोविड कमांड सेंटर जनपद जालौन में हाई अलर्ट पर हो गया है। स्वास्थ्य महकमे के सभी जो है स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उनसे अपनी सेवाएँ देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहने को कहा गया है। सारी एम्बुलेंस सेवाएँ बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों या कोविड के लिए बनाए गए विशेष कक्ष, सभी जगहों पर जो कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई दे रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, साथ ही कोविड के जो नियम हैं उनका पालन करें। लेकिन अगर जरा भी आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की संशय होती है, कुछ भी आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स के प्रयुक्त हैं, खांसी, जुकाम, बुखार या लगातार कुछ और परेशानी हो रही है, तो तुरंत आप चिकित्सक से संपर्क करें, उनके संपर्क में आएँ, कोरोना की जाँच कराएँ, डरे नहीं बाहर आए, क्योंकि फिलहाल अभी अपने यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो विदेश में, यानी चीन से है, जापान से है, अन्य देशों में। हालांकि अपने भारतवर्ष में अभी तक मात्र इनकी अगर संख्या पूरी देखी जाए तो 100 के आसपास भी नहीं पहुँची है। लेकिन अलर्ट मोड पर रहने से, सारी तैयारियों को दुरुस्त रखने से, इससे और सावधानियां बरतने से इससे बचा जा सकता है। कोरोना संक्रमण की आहट सुनाई देने लगी है। समूचे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में जनपद जालौन में भी जिला प्रशासन ने एहतियातन अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना कर दी गई और इसके हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी जालौन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।